क्वेश्चन नंबर चार, दोनों आवश्यक है, एक तरह से पारदर्शिता जवाबदेहिता की पूर्ववर्ती शर्त है। ऐसी स्थिति में संगठन में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए कदम एक बात हमेशा ध्यान दो, प्रश्न के कितने पार्ट नहीं देखो आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पारदर्शिता जवाबदेहिता दोनों आवश्यक है। एक तरह से पारदर्शिता जवाबदेहिता की पूर्ववर्ती शर्त है। हम ये कहें पारदर्शिता जवाबदेहिता में चोरी दामन का संबंध है। अरे बात है, जहां पारदर्शिता होगी वहां जवाबदेहिता होगी, या सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिविल सेवा को या सिविल सेवकों को जवाबदेह बनाने के लिए पारदर्शिता को मजबूत करना होगा, या ये कहा जाए हमेशा हमें कहें कि प्रशासन को सत्रिश बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता दोनों का मजबूत होना जरूरी है, कुछ भी तो दोनों में एक संबंध क्या है, जहां पारदर्शिता होगी वहां जवाबदेहिता होगी, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो पारदर्शिता जवाबदेहिता की पूर्ववर्ती शर्त है, ये क्लियर। कैसे, ध्यान से सुनना इस बात को, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को हम तभी जवाबदेह ठहरा सकते हैं जब उसके निर्णय, उसके कार्य, उसके आचरण का बेहतर मूल्यांकन हो सके। मूल्यांकन करने के लिए सभी सूचनाओं तक पहुंच का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल राउज की बात करें, क्या डायरेक्टर जवाबदेह है दुर्घटना के लिए? इसके लिए पूरी जांच जरूरी है, और जांच के लिए प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक नियम तक अधिकारियों की पहुंच होना जरूरी है। पारदर्शिता, क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी उचित तथ्य उपलब्ध नहीं होंगे, तथ्य नहीं उपलब्ध होंगे तो मूल्यांकन ही, और मूल्यांकन नहीं तो जवाबदेहिता का निर्धारण बहुत कठिन हो जाएगा। तो जवाबदेहिता तभी होगी जब कार्य और डिसीजन का उचित मूल्यांकन हो, इसके लिए सभी तथ्य सूचनाओं तक पहुंच होना जरूरी है। यह तभी होगा जब पारदर्शिता हो।
बात समझ में आ गई? तो कैसी पारदर्शिता जवाबदेहता को प्रमोट कर रही है, और जहां पारदर्शिता नहीं वहां जवाबदेहता नहीं होगी, यह कहा जाता है। पॉइंट क्लियर? हम दूसरी चीज बात करें, एक चीज ध्यान से सुने इस बात को। अब एक चीज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमेशा चीज सूचना का अधिकार पारदर्शिता को प्रमोट करता है, याद रखना, पारदर्शिता को प्रमोट करता है। और जब पारदर्शिता होगी और सूचनाओं तक जनता की पहुंच आसान हो जाएगी ना, तो जानते हो क्या होगा? प्रशासन पर नैतिक दबाव बनेगा, नैतिक दबाव बनेगा, याद रखना है। और जब नैतिक दबाव बनेगा ना, तो उसकी जवाबदेहता क्या होगी? निर्धारित हो जाएगी। इसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, आपने देखा होगा, न्यायालयों की सुनवाई को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगा रहा है वो, आपने एक चीज देखा होगा। अगली चीज, जब पारदर्शिता होगी तो लोगों की भागीदारी होगी, तो सहभागी प्रशासन का विकास होगा। आज जहां सहभागी प्रशासन का विकास होगा वहां जवाबदेहता होगी, क्योंकि पारदर्शिता होगी, ध्यान दो, पारदर्शिता होगी तो सहभागी शासन इंट्रैक्शन बढ़ेगा, खजा इंट्रैक्शन होगा वहां ब्यूरोक्रेट पर दबाव बनेगा, जवाबदेहता। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज देखा होगा, हमेशा जब सहभागी प्रशासन को प्रोत्साहन मिला और सूचनाओं तो लोगों की पहुंच आसान हो गई, तने कैसे कार्य थे जिसके लिए लोगों को जवाबदेह बनाया गया। एक अभी केस स्टडी है छत्तीसगढ़ का, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर के, आपने देखा होगा सूचनाओं तक पहुंच जांच शुरू हुई, पहुंच आसान हुई, तो यह पता चला कि नियमों के साथ हेरा फेरी, जवाबदेही तक। और शायद छत्तीसगढ़ के कौन चेयरपर्सन है, कमीशन के चेयरपर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। असम, असम क्या छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ है शायद, प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हुआ, असम में भी, असम में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, इसको लेकर देखा होगा। उन्हें एक बात करने से, आपने कभी गौर किया होगा ना, सीबीआई जब जांचती है ना, जांच करती है, ईडी जांच करती है, तो सीबीआई क्या करती है, वो सीबीआई ईडी की कोशिश है सूचनाओं तक पहुंच, और सूचनाओं तक पहुंच तो दंड देना आसान, जवाबदेहता। इसका मतलब ये हमेशा, इसका मतलब क्या है कि प्रशासन में जवाबदेहता तब तक नहीं होगी जब तक पारदर्शिता ना हो। तब मेरी बात समझ में आ गई होगी, अरी बातें हाँ 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 ये हाँ एक चीज याद है, बिल्कुल जवाबदेहता है तो पारदर्शिता निश्चित। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता जवाबदेहता की पूर्ववर्ती शर्त है। यदि आप मेंस लिख रहे तो निश्चित से प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होंगे। क्यों? मेंस लिखने की प्राथमिक शर्त क्या है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। मैं शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे चलो एक तरह से सोचो, आप मान लिया जाए, आप पारदर्शिता की बात करो, पारदर्शिता हुई तो स्वाभाविक है सूचनाओं तक पहुंच हुई, जांच मूल्यांकन हुआ, पारदर्शिता होगी तो आरटीआई होगी, आरटीआई होगी तो सहभागी प्रशासन होगा, सहभागी प्रशासन होगा जो इंट्रैक्शन होगा ना,
इंट्रैक्शन होगा तो क्या स्थिति होगी? तीसरी चीज, आप पारदर्शिता के लिए नागरिक चार्टर की बात करो। जब नागरिक चार्टर की बात करोगे ना तो होगा, नागरिक चार्टर में क्या होता है? सेवा की गुणवत्ता, अवधि, कीमत, शिकायत निवारण की व्यवस्था, और जहां ये चीज होगी वहां जवाबदेहिता हो जाएगी। जहां नागरिक चार्टर का कॉन्सेप्ट होगा वहां जवाबदेहिता होगी। और सबसे बड़ी चीज बात करें, प्राइवेट आगे हम बात करेंगे कि दिक्कत के, जब उदारीकरण का दौर आया ना और जब निजीकरण हुआ तो प्राइवेट सेक्टर क्या करने लगा, प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सर्विस की क्वालिटी भी बढ़ा दिया। पहली बात, ड्यूरेशन भी देखा होगा, पिज्जा का ऐड आता है, आधे घंटे में पिज्जा नहीं पहुंचा तो पिज्जा फ्री, ड्यूरेशन, क्वालिटी, ड्यूरेशन, कंप्लेन करो, शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था भी प्राइवेट सेक्टर में है, तुरंत कंप्लेन करो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जैसे एयरटेल वाईफाई, कंप्लेन करो 24 घंटे में सॉल्व। अब पहले क्या था, बीएसएनएल, कंप्लेन करते रहो, एक महीने में सॉल्व होगा कि दो महीने में, कोई गारंटी नहीं थी। अब एक चीज, अब देखो पारदर्शिता के लिए नागरिक चार्टर की बात करेंगे, नागरिक चार्टर होगा तो सेवा की क्वालिटी, ड्यूरेशन, कीमत, शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था है। जब शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था होगी तो बताओ क्या होगा, जवाबदेहिता होगी कि नहीं होगी? सिंपल, शायद मेरी बात समझ में आ गई। अगली चीज नहीं है, हाँ, यदि गवर्नमेंट का टेंडर है ना तो क्वालिटी, याद रखना तो क्वालिटी, यदि ट्रिपल पी है तो क्वालिटी, प्योर प्राइवेट सेक्टर है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी है तो नागरिक चार्टर आ जाएगा, पर प्योर प्राइवेट सेक्टर है तो नागरिक चार्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज एक और चीज बताएं, अब नागरिक चार्टर की बातें क्यों नहीं की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी, क्वालिटी में इंप्रूव हो गई, कीमत भी कम है, ड्यूरेशन भी सही है, और कंप्लेन करो तो सेवा आपको क्या होगी, उपलब्ध होगी। ये हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा उड्डयन क्षेत्र में और टेलीकॉम सेक्टर में, देखो आप नहीं, एविएशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में देखा, इतना सस्ता और पोर्टेबल की सुविधा भी आ गई, पोर्ट करा लो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहा गया, ये जो पोर्टेबल की सुविधा है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को बाध्य करता है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो आप। तो एक तरह से ये कहा जाए प्राइवेट सेक्टर अघोषित नागरिक चार्टर को स्वीकार कर चुके हैं, लागू कर रहे हैं, पर सिद्धांत रूप में नागरिक चार्टर का वो कॉन्सेप्ट, पर उसके जो लक्ष्य, जो माने के सब कुछ निर्धारित करें। फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जाओ, आपको मेनू कार्ड मिलता है, क्या क्या है, उसकी प्राइस क्या है, लिखा रहता है कि नहीं है प्राइस, ऑर्डर देने के बाद कितने समय में उपलब्ध होगा, और यदि आप भोजन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या करो आप, पिज्जा आधे घंटे में सप्लाई नहीं हुई तो पिज्जा फ्री, ऐड आता कि नहीं आता है? शायद आपने सुना होगा पिज्जा फ्री आधे घंटे में, पहले स्कीम चली थी। हाँ
ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ मुझे तो कहीं दिखा ही नहीं। एक चीज बताएं आपसे, मुझे तो नहीं पता, हो सकता हो, अच्छी बात है। वो ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फीस निकासी की विकल्प नहीं है वहां पे, और नागरिक चार्टर में व्यवस्था होती है। अरे बात है, ये चीज ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं उसका। हाँ ये, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में नागरिक चार्टर लागू करना बड़ा टफ है। क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 खुश हुए 50 नहीं खुश हुए तो पूरी दिक्कत हो जाएगी, सिस्टम भी बैठ जाएगा। अरे बातें, हो सकता है, मैंने कभी देखा नहीं, हो सकता लागू हो, बड़ी अच्छी बात है लागू हो तो, पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, नीचे देखा जाए। खैर ये बातें अगली चीज बात करें, ध्यान सुनने इस बात को, मान लिया जाए, इसे ध्यान देना। आप सबसे बड़ी बात करो, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां सूचनाओं तक पहुंच के कारण संगठन या व्यक्ति को जवाबदेह बनाती है। ये चार पॉइंट उल्लेख करना, आप पारदर्शिता और जवाबदेहता की बात करें हम लोग। चले चलो गुड, क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट पैरा, ये दो पॉइंट समझ में आ गया, पारदर्शिता और जवाबदेहिता की बात करें हम लोग। फर्स्ट पर इंट्रो की बात करेंगे, किसी भी संगठन बेहतर कार्य संस्कृति के निर्माण निर्माण जन विश्वास में वृद्धि एवं पारदर्शिता और जवाबदेहता जरूरी है। दो आधारभूत मूल्य हैं, यह हमारा फर्स्ट पैरा। सेकेंड पर जब आएंगे तो लिखेंगे,
चले सेकंड फ्रेम जब आएंगे लिखेंगे पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, में एक संबंध है तथा पारदर्शिता जवाबदेहिता की प्रवृत्ति शर्त है। क्यों? क्योंकि नंबर वन की बात करें हम लोग, नंबर वन, किसी कार्रवाई का उचित मूल्यांकन करने के लिए चलें फर्स्ट कार्रवाई का सूचनाओं तक पहुंच जरूरी है। सूचनाओं तक पहुंच जरूरी है। यदि इनकार किया गया तो जवाबदेहिता निर्धारित करना कठिन। नंबर दो, पारदर्शिता के लिए उस सूचना के अधिकार इससे प्रशासन में जन भागीदारी तथा प्रशासक से अंतर क्रिया अंतर क्रिया को प्रोत्साहन अरे बात है परिणामता जवाबदेहिता निर्धारित करना आसान। नंबर तीन की बात करें नंबर तीन की बात करें चलें पारदर्शिता के लिए नागरिक चार्टर पेपर
जिसमें सेवा की कीमत शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था की जाती है। जवाबदेहता का निर्धारण, नंबर चार की बात करें हम लोग, जांच एजेंसियां उसकी जांच करके किसी पदाधिकारी को जवाबदेह ठहराते हैं। जैसे ईडी सीबीआई की बात करें हम लोग, हम ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, अब एक चीज सोचो आप, हो जाएगा। अब हम बात करें, ये सारी बातें करने के बाद अच्छा एग्जांपल में किसी को कोड नहीं करना आपको, जांच बस ईडी लिख दो आप और सीबीआई लिख दो बस। अगली चीज थर्ड पैरा, प्रशासक को पता प्रशासन में पारदर्शिता को मजबूत करना जरूरी है। मजबूत करना जरूरी है। यद्यपि सरकार द्वारा आरटीआई ₹2005 नागरिक चार्टर ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता को मजबूत किया जा रहा है। किंतु अन्य कदम भी उठाए जाने चाहिए। कौन से कदम?
नंबर वन, खुला बजट, अर्थात डिस्क्लोज कर दो आप एकदम। नंबर दो, सार्वजनिक प्रकटीकरण, अपनी संपत्ति, हितों के टकराव, नंबर तीन की बात करें, नंबर तीन ठीक है हो गया, आवश्यक नीतिगत निर्णय पर सार्वजनिक बैठक, नागरिक समाज की भागीदारी, अगला पॉइंट सरकारी अनुबंध, विधायी प्रस्ताव, विनियामक जैसी जानकारियां क्या हो, जनता के साथ साझा करने के लिए करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल डेटाबेस का सहारा लें। डेटाबेस का सहारा लेना, एक चीज सोचो। अगली बात, बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए
अब उपयोग की बात करो। अगला पॉइंट, ठीक है, नंबर छह, फीडबैक को प्रोत्साहन। चिंताओं सवालों एवं फीडबैक को संबोधित करना। अब इस प्रश्न को देखो, आप इतनी बातें शायद समझ में आ गई होगी। एक चीज, ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम किसकी बात करेंगे? हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। निष्कर्ष है वस्तुतः पारदर्शिता सुशासन को मजबूत करने का आधार होने के साथ सारी बात है। नीतिगत इतनी बातें कहने के बाद आंसर को क्लोज कर देंगे हम लोग। क्लियर? अब इस प्रश्न को एक बार देखते हैं। प्रश्न यही है, दोनों आवश्यक हैं। एक तरह से पारदर्शिता जवाबदेहता की प्रवृत्ति शर्त है, कदम उठाया जाना चाहिए। तो पारदर्शिता की मीनिंग शर्त है, ये चार पॉइंट। ये शर्त क्यों है ये? फिर उसके बाद जवाबदेहता को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता को मजबूत करना जरूरी। यद्यप सरकार द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिक चार्टर ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता को मजबूत किया जा रहा है, किंतु अन्य कदम उठाए जाना चाहिए, जैसे खुला बजट, धन का आवंटन एवं खर्च के विवरण का प्रकटीकरण। सार्वजनिक प्रकटीकरण की बात करें, पब्लिक डिस्क्लोजर, आवश्यक नीतिगत निर्णय पर सार्वजनिक बैठक होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, परामर्श एवं नागरिक समाज की भागीदारी हो। सरकारी अनुबंध, विधायी प्रस्ताव, विनियामक जैसे जानकारियां जनता के साथ साझा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं डेटाबेस का सहारा लेना चाहिए। अगली चीज, बैठक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग। और एक बड़ा इश्यू ये होना चाहिए, प्रश्नोत्तर सत्र होना चाहिए,
फीडबैक होना चाहिए। प्रश्नोत्तर सत्र फीडबैक क्या करेगा? प्रशासन में जनता की भागीदारी को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? पारदर्शिता, एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं। अच्छा, पारदर्शिता से जो प्रश्न पूछेगा ना, महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है, या जवाबदेहता से जोड़कर पूछेगा, हम लोग कर ले जाएंगे, या क्या किया जाना चाहिए पारदर्शिता के लिए, तो तीन तो गवर्नमेंट कदम उठाई रही है। लेकिन और ये चीज जहां भी पारदर्शिता की बात उठी, सारे पांच छह पॉइंट को क्या करो आप, पेस्ट कर दो। ये चीजें होनी चाहिए पारदर्शिता को, ठीक है, पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। क्लियर? एक क्वेश्चन और की बात करते हैं हम लोग।